हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। और यूके चूके की तरफ से आप लोगों को गुड मॉर्निंग। अभी यहाँ पे सुबह के बज रहे हैं 10 और आप वेदर देख सकते हो कितना बढ़िया। देखो सीधा वेदर, पूरी सनशाइन है, धूप निकली हुई है और आप ऊपर देखोगे कितना साफ आसमान। तो चलो अब मैं टॉपिक पे आता हूँ, चलते चलते बात करता हूँ आपसे। सो बेसिकली मुझे जो ये वीडियो बनानी है, ये जो टॉपिक है वो है कि आप लोग कितना कैश या फिर आप कितना अकाउंट में पैसा लेके आए एज अ स्टूडेंट, कितनी रिक्वायरमेंट। मतलब आपको रिक्वायरमेंट तो सबको पता ही है कितनी होती है, कितना दिखाना होता है लिविंग एक्सपेंस, बट आप रियलिटी में जो कितना उसके ऊपर या फिर उसके साइड में लेके आते हैं फॉर योर एक्सपेंस, स्टार्टिंग में कितना लाना चाहिए, कितना सूटेबल है और कितना ठीक रहेगा, तो वो चीज़ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू। और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कितना आपको कैश लाना चाहिए। सो, देखो यार, वो डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे, ठीक है, कि आपकी सिचुएशन क्या है। सपोज आपके यहाँ पे लोग हैं, कोई आपकी फैमिली मेम्बर्स है एंड आपके फ्रेंड्स हैं या फिर आपकी कोई भी यहाँ पे आपका कोई रहता है, तो आपको ज़्यादा फिर पैसे लाने की ज़रूरत नहीं है। आप ला सकते हो आराम से 500 पाउंड, जो आपका टैक्सी और ये जितना भी होगा, बाकी तो आपके जो आप एयरपोर्ट पे उतरोगे तो वहाँ से आपको आपकी फैमिली है वो रिसीव कर ही लेगी, आपके फ्रेंड्स रिसीव कर ही लेंगी, तो आपको ज़्यादा फिर एक्स्ट्रा पैसे लाने की ज़रूरत नहीं है। एंड सेकेंड केस ये है कि सपोज़ आपको, अगर मान लो मैं बोलूँ कि आपका यहाँ पे कोई नहीं है, सो प्रॉब्लम तब होती है। सो आपको तब कितने पैसे लाने हैं, बिकॉज आपको पता है कि अगर आपके पास कुछ कोई है नहीं तो आप कैसे यहाँ पे अपना सर्वाइवल करोगे। पहले स्टार्टिंग में वो बहुत टफ होता है, क्योंकि आपको अगर एकोमोडेशन नहीं, एकोमोडेशन देखना है आपको, खाने के लिए पैसे चाहिए, ग्रोसरी आपको लेनी पड़ेगी, बहुत चीज़ें होती हैं। अगर आप होटल ले रहे हो तो होटल में भी आपको पैसा देना पड़ेगा, एयरबीएनबी भी ले रहे हो तो उसके लिए भी पैसा देना पड़ेगा। तो जो पैसा आप लाओगे, अगर आप अकाउंट में लाते हो अपने INR में, देन आपको वो ट्रांसफ़र करना पड़ेगा आपको GBP में, तो वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। सो स्टार्टिंग में बड़ी दिक्कतें होती हैं, तो उस चीज़ को सोल्यूशन में रखते हुए मैं बताता हूँ आप क्या करो। कि सबसे बढ़िया है, अगर आपका कोई यहाँ पे नहीं है, आप एक जस्ट सिंगल बोलूँ और आपके बिल्कुल कोई कनेक्शन नहीं है यहाँ पे स्टार्टिंग में, तो आप कैश, मतलब आप अपने अकाउंट में GBP में बात करूँगा मैं, आप आराम से 1000 से 2000 पाउंड लेके रखो, इतना एस्टिमेट लगा के रखना आराम से। और ये ज़रूरी है क्योंकि आप इतना पैसा चाहिए, और 1000 से 2000 आपका आराम से, एक तो महीने, 2 महीने तो मैं मुश्किल बोलूँगा, बट 1 महीना 1.5 महीना निकल जाएगा आराम से। फिर उसके बाद आपको, मैं चाहता हूँ कि जॉब मिल जाए या फिर कोई ऐसी आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल जाए जहाँ से आपके पास पैसा आने लगे GBP में, तो वो आपका मैनेज हो जाएगा। एंड सेकेंड यार, जो आपका इंडियन INR या फिर आपकी करेंसी में कोई भी पैसा है आपको वो ट्रांसफ़र करना है GBP में, तो उसके लिए भी काफ़ी सारी एप्लीकेशंस होती हैं, या फिर आप बैंक से रेमिटेंस कर सकते हो, तो वो भी इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता, टाइम लगता है थोड़ा बैंक से अगर आप करते हो, बट जो एप्लीकेशंस हैं लाइक रेमिटली, तो वो आप यूज़ कर सकते हो, और यूज़ करके आप उसमें आपको विद इन इंस्टेंट एक्सप्रेस डिलीवरी भी होती है उनकी, तो आपको इंस्टेंट पैसा आ जाएगा आपके अकाउंट में। बट प्रॉब्लम ये है कि आपके पास UK अकाउंट भी नहीं होगा, तो उसके लिए मैं आपको ये भी सजेशन दूंगा कि आप UK अकाउंट जरूर खुलवाना आते ही, बट पहले से ही आपको अपनी कंट्री में थोड़े से पैसे रिमिट करवाने पड़ेंगे, अपने पास रखने पड़ेंगे कुछ पाउंड, नहीं है तो आप कैश भी ले सकते हैं, वो भी बेस्ट रहेगा।
क्योंकि आपको पता है यार, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप बहुत लोग पूछते हैं कि कितना पैसा लाना चाहिए और कैसे मैनेज होगा, अगर कोई नहीं है तो, बट उसके लिए सबसे बेस्ट यही चीज़ है यार, यही करो, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। सो एक सेकेंड यार, मेरे को रोड क्रॉस करना है, अभी धूप पड़ रही है पीछे, तो मैं ज़्यादा फ़ोन ऊपर नहीं कर रहा बिकॉज वो रिफ्लेक्शन पड़ रहा है। ओके सो बस यार यही है कि आप 1000 से 2000 pounds का बिल्कुल एस्टिमेट रखना, ठीक है, और इसको आप अपने हेल्प से एयरपोर्ट पे भी एक्सचेंज करा सकते हो अपनी मनी, या फिर आप वहाँ भी बहुत सारी एक्सचेंज करेंसीज होती हैं जिसमें आप हेल्प ले सकते हो, वो आपकी उपयोग करेंगे। तो यही है, इतना तो ज़रूर ध्यान रखना। बाकी अभी यहाँ का अगर मैं आपको वेदर अपडेट दूँ तो ठंड इतनी ज़्यादा नहीं पड़ रही है, बट इट्स फाइन। ठंड ज़्यादा नहीं पड़ रही है, ठीक है, वेदर बढ़िया चल रहा है, बढ़िया यार, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। सो यार यही है कि अपना इतना सा रखना ध्यान कि 15 से 2000 pounds बोलूँगा रखो, और इसको यूटिलाइज़ भी आराम से करना, बिकॉज ये बात ध्यान रखना हमेशा कि जो पाउंड में ना बहुत जल्दी आप खर्चे बहुत जल्दी होते हैं यहाँ पे, जब आओगे तो आपको पता लग जाएगा। अगर मैं आपको अपनी करेंसी का, मैं अगर इंडिया की बताऊँ, मैं आपको अगर 1,00,000 rupees दे देता हूँ तो आपको खर्च करने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट यहाँ 1000 pounds आपकी यूँ चले जाएंगे। तो गाइस बस यही था वीडियो में, मेरे को यही बताना था आप लोगों को सबको। सो इतना ज़रूर ध्यान रखना, पैसे ज़रूर लाना अगर आप अकेले आ रहे हो, अगर आपकी फैमिली है, आपके आपके कोई सपोर्टर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो आपकी फैमिली संभाल लेगी, आप उनके यहाँ जाकर रुक सकते हो, फिर उसके बाद धीरे धीरे ऑब्वियसली आप कुछ ना कुछ कर ही लोगे, सभी कर लेते हैं। और कुछ कुछ चीज़ें होती हैं यार, कुछ जो फैमिली के साथ भी रहते हैं वो ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होना चाहते उनके ऊपर, जो उनके फ्रेंड्स हैं यहाँ पे, तो वो भी थोड़ा बहुत पैसा लेके आते हैं, नो डाउट। जैसे मैं भी अपना बताऊँ तो मैं भी लेके आया था, मैं अपने फ्रेंड के यहाँ था, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, कोई वो नहीं है। बाकी जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं आओ यार, और इसको ज़रूर ध्यान रखना, इतना पैसा लाना ज़रूरी है स्टार्टिंग में, फिर तो अपने आप आपकी जॉब लग जाएगी, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं, आप जब फ्लो में आ जाओगे। बाकी यही था यार इस वीडियो में, और अगर आपको कुछ कंसर्न हो, कुछ डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड, या फिर कोई भी, देन डू लेट मी नो, मैं ऑलवेज अवेलेबल हूँ ऑन माय इंस्टाग्राम एंड आई हैव ऑल्सो शेयर्ड यू माय व्हाट्सएप नंबर। सो आप लोग मेरे को मेल कर सकते हैं, मेरी मेल आईडी भी मेंशन है मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप बस कांटेक्ट करो, पूछो मेरे से जो भी डाउट होता है। बाकी चल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड अभी का वेदर बहुत प्यारा है, धूप निकली हुई है, सो थोड़ी वॉक हो रही है मेरी, एंड मज़ा आ रहा है धूप सेकते हुए, एंड डेफिनेटली आई कॉन्टैक्ट यू गाइज वेरी सून, एंड ध्यान रखें आप लोग सब अपना, एंड विश यू अ गुड लक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक दिस। थैंक यू सो मच, बाय।